भाई नाश्ता मैं तो खिलाऊंगा मेरे बेटे। अक्के तो असल आनी यार, मैं देख लेता हूँ कहाँ कर्व आ रही है, वहाँ ब्रेक शेक लगा लेते हैं। सब हॉस्पिटल गुड इवनिंग फ्रॉम नारायण। रात पहुंच गए थे लेकिन रास्ता बहुत खराब था। आखिरी जो 30 किलोमीटर थे ना वो 2 घंटे में हुए। आते साथ ही मैं तो सो गया, खाना भी कोई नहीं खाया, लेकिन सुबह से उठा हुआ हूँ। और इस दफा सोच के आए थे कि यार चिल करने हैं कहीं, मतलब जाना है ना तो बैठ जाना, लेकिन इतना बैठ जाना इतना भी नहीं सोचा था। पूरा दिन धूप सेकते रहे हैं लेकिन जेन में नहीं आया कि करना क्या। अब जाते हैं कहीं पे, खुद ही खाना बनाते हैं कहीं पे अच्छी सी जगह ढूंढ के ना। शाम होने वाली है, पूरा दिन मैं वैसे बादलों का इंतजार करता रहा कि शाम होगी कहीं बादल बुदल आएंगे बादल। बाकी व्यू बाहर बहुत अच्छा है और रात को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरा फर्स्ट जो कॉन्टेक्ट हुआ था ना बाहर सारे नारायण का, बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा लग रहा था। सामान सारा पकड़ते हैं जो जो चाहिए, चिकन के रिलेटेड कुछ बनाते हैं। मैं 2022 में आया था इसी जगह पे, इसी कमरे पे जहाँ मैं आज रुका हूँ, सेम होटल है। तब मैं बाइक पे आया था, ये दफा मैं कार पे आया हूँ। मजम्मल वगैरह इंजन ऑयल वगैरह चेक कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। ये एक ना पॉइंट ढूंढा है लेकिन पुल क्रॉस करना पड़ेगा और ये जोखिम भरा काम ये खुद ही करेगा। हम फिर उतर जाते हैं तो नहीं नहीं मैं नहीं, रोक दे हमें, वजन बहुत ज्यादा। ठीक है फिर बेटा, पुल के फिर उस पार ही मिलते हैं। अच्छा उतरो ए बचो, बहुत तेज हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा, चली जाएगी गाड़ी उधर। अगर ऐसा जो आप गिर के मैंने कोई बचाएगा नहीं। दौड़ दौड़ हो रही कोई और कसम है, डर नहीं रहा लेकिन खौफ आ रहा है, ऊंचाई बहुत है। लो जी वहाँ उस रोड से नीचे उतर के यहाँ से आए हैं। ये रिवर राफ्टिंग हो रही है सामने, ये पिकनिक पॉइंट हमें वो सड़क से नजर आया तो मैंने कहा चलो यार इधर चलते हैं कहीं। यार सुबह बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे, मैं सोच रहा था कि यार इनकी तो समर वेकेशन नहीं होती होंगी, इनकी विंटर वेकेशन होती होंगी। और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्कूल भी बना हुआ है तो यहीं आ रहे होंगे सारे बच्चे पढ़ने के लिए। चलो भाई काम स्टार्ट हो गए ना, वो हवा की वजह से ले आओ इसे। शाबाश, क्यों पत्थर गए, कोई बिस्ती वाली बात है तो क्या? नहीं क्या हो जाएगा इसमें, आप हमें वायरल करना चाह रहे हो तो? अगर वीडियो अगर कसम से वायरल हो भी गई मैं डिलीट कर दूंगा। गजब बेइज्जती है, वायरल हो जाएगी। अफसोस है यार मेरी कभी हुई है जिंदगी में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पंजाबी होंगे तो मैं तो उसको कह देता हूँ कि दे भाई, इनको भी मैं कहने की कोशिश करता हूँ, कीपिंग मैं कर लेता हूँ। क्रिकेट जहाँ चाह रही हो वैसे ही बड़ा दिल करने लगा पड़ता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। छोटे भाई कीपिंग मैं कर लेता हूँ, जाओ आप। मैंने इनसे पूछा है वही बात जो मैं नहीं कह रहा था, ये लोग सर्दियों में नीचे चले जाते हैं और इनके गर्मियों में इनकी स्टडी होती है, इनकी विंटर वेकेशन होती है। ये जो ऊपर घर बने हुए ना ये इनके घर हैं, बच्चे दूर से दौड़ते हुए आते हैं क्रिकेट क्रिकेट। ये कौन सा तरीका है, ये देसी तरीका जिस तरह वो बाबा दाद गोश्त बनाते होते थे है, कुत्ता पकड़ के शिकारी चुपे नहीं, शिकार जब करते थे कुत्ते मारे फिर उनका गोश्त ऐसे चलते दरिया से साफ किया। वैसे तो पानी के अंदर चाहे अगर किसी ने मतलब मुंह वगैरह डाला हो किसी कुत्ते वगैरह ने, और या फिर नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं साफ है चल रहा है पानी। ओके वैसे पीछे किसी ने बताया पेशाब वगैरह भी लोग करते हैं कि नहीं करते? कोई नहीं न्यूट्रेंट है ना यार। तो जी वापस जा रहे हैं, खाना बना लिया, अब बस ये है कि घर जाके यानी होटल पे जाके खाते हैं, वहाँ पे रोटियाँ वगैरह ले लेंगे। बेसिकली आने का मकसद ये था किसी अच्छी जगह पे बैठ के खाना वगैरह बनाए। थोड़ा सा हमारा सामान जो है जैसे ये है, ये हमारा कोई कूड़े के रिलेटेड है, इसको पकड़ लिए वहीं पहुँचे। तुम गन तेरा।